अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। समाज सेवक अब्दुल राजिक द्वारा ईदगाह पहुंचे नागरिकों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई, जिसकी ईदगाह पहुंचे लोगों ने खूब सराहना की। ईद उल फित्र यानी ईद का त्यौहार रमजान के 30 रोजों के बाद मनाया जाता है। इस अवसर पर समाज के सभी लोग ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा करने के बाद चिलचिलाती धूप में नागरिकों की प्यास बुझाने हेतु गुलाम नबी गुलाम हुसैन माइनॉरिटी सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल राजिक अब्दुल रऊफ द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते कई लोगों ने भीषण गर्मी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई व अब्दुल राजिक का आभार माना। ईदगाह में बड़ी संख्या में नागरिक नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों का समावेश था। कोरोना के कारण बीते 2 सालों से ईदगाह में नमाज अदा नहीं हुई, इसीलिए इस बार ईद के त्यौहार पर मुस्लिम समाज में काफी उत्साह दिखा। भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने पर सभी ओर से अब्दुल राजिक की खूब सराहना की जा रही है। मैं अब्दुल राजिक सभी मुस्लिम समाज के ओर से एसपी सर, खड़से सर, एडिशनल कलेक्टर और प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो ये यहाँ काम हुआ है ईदगाह के ऊपर, इसके लिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा काम हमने इसके पहले कभी नहीं देखा, इसके लिए हम सर को धन्यवाद देते हैं और हम सर को दुआ देते हैं। अल शहा फ्रेग्रेंसेस, न्यू ताज महल, अतर एंड परफ्यूम्स, होलसेल एंड रिटेल, सभी प्रकार के अतर, परफ्यूम, जाय नमाज, तस्बीह, बड़बोती की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध। तो एक बार जरूर आए, लारी गली मोहम्मद अली चौक अकोला।